नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रवि किशन। आज लेकर आया हूं अनगिनत सवालों से उलझी हुई क्राइम फाइल्स की एक अनोखी दास्तां। कबीर, अपनी ना आंखें बंद रखना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, आंखें मत खोलना। कबीर, ये सब क्या है? आंखें बंद, थोड़ी देर बाद ना खुद ही देख लेना। ये सब तुमने कहाँ से सीखा है? God gifted, मैं ना पैदा ही टैलेंटेड हुआ था। अच्छा, ओहो। अपनी आंखें खोलो। हमारी शादी के दिन ना तुम बिल्कुल ऐसी ही दिखो रही। कबीर, तुम निकलो जल्दी। क्या? जल्दी 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 भागो यहाँ से। कबीर जल्दी भागो, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जी, क्या मैं बाथरूम साफ कर रही थी, इस वजह से दरवाजा खोलने में लेट हो गई। बाथरूम साफ कर रही थी? और ये लाल चूड़ी पहनने की तेरी हिम्मत कैसी हुई? मेरे बेटे को गुजरे अभी 5 साल भी नहीं हुए और तू ये लाल चूड़ियां खरीदने लगी? कहां से लाई ये चूड़ी, बता। माँ जी, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बेटे की आत्मा को जो दर्द हो रहा होगा, ये चूड़ी देख करके उसका क्या? बस माँ,
चूड़ी पहनना कोई जुर्म नहीं है, और अब भाभी के साथ कैसा बर्ताव कर रही हो? वाह, भाभी को बचाने के लिए अब माँ से लड़ेगी। ऐसा तो क्या जादू कर दिया तूने मेरी बेटी पर? माँ देखो ऐसा। जाने दो प्रिया। माँ जी, प्रिया की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, आगे से सब कभी भी नहीं होगा, प्लीज माफ कर दीजिए। लाल चूड़ी पहनने का इतना शौक था तो एक बार मुझसे कह दिया होता, मैं ला देता तुम्हारे लाल चूड़ी। हे भाभी, भाई हाँ, एक तो तू विधवा है, ऊपर से मेरा वो कंगाल भाई तेरे लिए दो कौड़ी छोड़कर नहीं गया घर में, मेरे ही पैसों पर पलती है, मेरे ही घर में रहती है और भाव खाती है। एक तेरी प्यार से समझा रहा हूं, उसे शादी कर ले, शादी कर लेगी ना तो जिंदगी भर ऐश करेगी, समझे? मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी, और आईंदा से मुझे छूने की कोशिश की तो क्या बोलना, तो क्या ज्यादा चू चपड़ की ना और ज्यादा नौटंकी की तो एक मिनट में धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगा तुझे। ये घर मेरा भी है, और जब तक मैं इस घर में रहूंगी भाभी भी यहीं रहेगी, समझे आप? आ गई अपनी भाभी की चमची। भाभी, इसके खिलाफ ना पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी, कुछ साल जेल में रहेगा ना, तब जाके इसकी आकर निकलेगी। ए, छोटी है ना तो छोटे की तरह ही बिहेव कर, वरना तुझे भी। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ पर झगड़े मत करो, माँ जी को पता चलेगा तो झगड़े और बढ़ जाएंगे। देख, प्यार से समझा रहा हूँ, मेरी बात मानने में ही तेरी भलाई है, सोच ले। अब कब तक इन सब की बातें सुनती रहोगे, कब अपने हक के लिए खड़ी होना सीखोगी? मेरे लिए तू है ना। और कभी आपको मेरे सामने अपने हक के लिए आवाज उठाना पड़ा तब क्या करोगी? खुशी खुशी तेरी खुशी के लिए पीछे हट जाऊंगी, ठीक है? कितनी रात को फोन? हाथ कैसा है तुम्हारा? तुम्हें कैसे पता कि मेरा हाथ कटा हुआ है? तुम्हारी सास ना लाउडस्पीकर है, उसके चिल्लाने की आवाज ना मेरे घर तक आ रही थी। मन तो कर रहा था ना सृष्टि, फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती हो? अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है, मैं ना अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ तुम्हारा। जानती हूँ, लेकिन जब तक प्रिया की शादी नहीं हो जाए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। प्रिया की शादी? हाँ, अगर मैं दूसरी शादी की तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, और इससे प्रिया को भी अच्छा लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जब तक उसकी शादी ना हो जाए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। सृष्टि, कभी तो दूसरों के लिए नहीं यार, खुद के लिए सोचना। प्रिया भी तो मेरी अपनी ही है ना, मेरे लिए अपने सारे परिवार से लड़ जाती है, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, परसों ना मेरा जन्मदिन है और मैं तुम्हें खाने पे बाहर लेके जाना चाहता हूँ। क्या खाना खाने बाहर? देखो यार, मना मत करो। अच्छा ठीक है, मैं कोई ना कोई बहाना सोचती हूँ। बाय। Thank you.
प्रिया। हाय कबीर, वो एक्चुअली मैं फोन पे बात करने आई थी। हाय, पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी? हाँ, अच्छी चल रही है। फाइनल एग्जाम शुरू है ना, कुछ भी हेल्प चाहिए हो ना पढ़ाई में तो बोल देना मुझे। श्योर, थैंक्स। वाओ, ने सामने से हेल्प ऑफर की, मतलब कभी भी मुझे पसंद करता है। परसों शाम को गीता मौसी की बहू की गोद भराई की रस्म है, सभी जाने के लिए तैयार रहना। जी माँ। मैंने अपना वो पिंक वाला चूड़ीदार पहनूंगी और भाभी तुम अपनी वो लेस वाली साड़ी पहनना, ठीक है? बहू हमारे साथ नहीं आएगी। विधवा औरतों का गोद भराई की रस्म में आना अपशकुन माना जाता है। अगर भाभी नहीं आएगी तो फिर मैं भी नहीं चलूंगी। देखो प्रिया, बात को समझो, तुम चले जाओ, मैं घर पर ही रह लूंगी, ठीक है? परसों ना मेरा जन्मदिन है और मैं तुम्हें खाने पे बाहर लेके जाना चाहता हूँ। परसों सभी लोग घर से बाहर जाएंगे तो मैं कबीर के बर्थडे के लिए घर से बाहर जा सकती हूँ। घर जल्दी कैसे आ गए? क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जान मुझको बहुत मिस कर रही होगी, इसीलिए जल्दी आ गया। बस एक बात बोलूं, इस सेक्सी ड्रेस में ना बहुत हॉट लग रही हूं तुम। अच्छा हुआ कि मेरा वो कंगाल भाई जल्दी निकल गया और तुझे मेरे लिए छोड़ गया। बहुत अकड़ ना तेरे अंदर, बहुत अकड़ ना तेरे अंदर। तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा मैं, तुझे कोई बचाने नहीं आएगा क्योंकि घर पे कोई नहीं है। तेरी सारी अकड़ निकाल के दूंगा मैं। छोड़ो। तो सृष्टि की आवाज। चुप। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? चुप तो भी आ क्या? आज तुझे भी नहीं छोड़ूंगा मैं, तेरी जान ले लूंगा मैं। तुम दोनों छोड़ो एक दूसरे को, छोड़ो। कबीर क्या कर रहे हो? छोड़ो तुम लोग, छोड़ो कबीर। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? ये बात आप अपने बेटे से क्यों नहीं पूछते जो अपनी भाभी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था? शायद तू भूल रहा है, ये घर मेरा, लोग मेरे, मैं इनके साथ कुछ भी करूं, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? अगर विधवा औरत ऐसे कपड़े पहनने लगे तो किसी भी मर्द की नजर फिसलेगी। मुझे शर्म नहीं आती ऐसे कपड़े पहनते हुए, मेरे घर से जाते ही 16 सिंगार करने लग जाती है। माँ भी क्या बोल रही है? चुप। अगर और ज्यादा जमान चलाई तो तुझे भी खींच करके एक लगाऊंगी।
आप चाहे मेरे भी दो लगा लीजिए, लेकिन मैं बोलूंगा। कौन सी सदी में जी रहे हैं आप? आपका बेटा यहाँ पे एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है और आप उसके कपड़ों के बारे में सोच रही हैं? अच्छा, अब 25 साल का छोरा मुझे ज्ञान देगा? तेरे से ज्यादा दुनिया देखी है, जो समाज में होता है वो ही बोल रही है। समाज वाले हर चीज में सही नहीं होते, और इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। आपके बेटे ने ना क्राइम किया है और उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ओह, तो अब घर के कमाने वाले आदमी को तू जेल भेजेगी बहू? हाँ, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अरे करना, धमकी किसको दे रहा है? कबीर, रहने दो, ये हमारा घर का मामला है, हम खुद ही सुलझा लेंगे। लेकिन भाभी। प्रिया बस, अगर ये दोबारा नहीं होगा तो इस मैटर को यहीं खत्म करते हैं। तुम जाओ कबीर। जवान है, अच्छा दिखता है, अच्छा कमाता भी है, फिर क्यों इस मनहूस के पीछे पड़ा है? अरे तेरे लिए एक से एक अच्छी लड़कियों की लाइन लगा दूंगी मैं। कैसी बात करती हूँ माँ? देख, सबकी ना अपनी अपनी पसंद होती है, वो विधवा ही सही, लेकिन मुझे सृष्टि बहुत पसंद है। तू अपनी पसंद बदल। तेरे भाई की विधवा से मैं तुझे शादी नहीं करने दूंगी। तेरी शादी किसी बड़े खानदान में अच्छी लड़की से होगी। कल से ही मैं रिश्ते देखना शुरू करती हूँ। माँ मैंने कहा ना, तुझे रिश्ते देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सृष्टि के साथ। देख, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। चल, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ। चल, गुड नाइट। पता नहीं क्या जादू कर दिया उस मनहूस विधवा ने मेरे दोनों बच्चों पर। एक बेटा उससे शादी करके मर गया, दूसरा बेटा उसके प्यार में पागल है, और मेरी बेवकूफ बेटी जिसे अपनी माँ से ज्यादा भाभी प्यारी, जब से ये मनहूस घर पे आई है मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। बहुत छींके मार रही हो, मैं भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ वो तो सुनाई दे रहा है मुझे, पता है ना तुम्हें, ज्यादा रोने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। तो फिर रुलाते ही क्यों हो? मैंने रुलाया ये तुम्हारे बेवकूफ घर वालों ने? घर वाले कुछ भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने रात भर मेरा फोन नहीं उठाया, मैं इस वजह से रो रही थी। रो रही, लेकिन मैं ना तुम्हें ये सब बर्दाश्त करते हुए नहीं देख सकता। हाँ पर बहू, बहू। हाँ माँ जी। बहू मैं मंदिर जा रही हूँ, 2 घंटे में आ जाऊंगी, तब तक पूरे घर की साफ सफाई कर लेना और खाना बना ले। खाने में दाल चावल सब्जी रोटी मिठाई सब बनाना, समझी? जी माँ जी। कि क्या है कबीर? ये दवाइयाँ हैं, तुम इसे खाओ और आराम करो। घर की सफाई के लिए ना काम वाला हाजिर है ना। खाओ खाओ। एक मिनट, मैं ना अभी फट से जाके सूप बना के लेके आता हूँ। हाँ तुम यहीं बैठो, दवाई खाओ। मेरा तुम्हारे लिए गरम गरम सूप। पियो, कैसा लगा? बढ़िया। तुम एक काम करो, तुम बैठ के सूप पियो, तब तक मैं ना घर चकाचक साफ कर देता हूँ। हाँ
मेरी तरफ मत देखो, सूप पियो फटफट। देखो घर एकदम चकाचक साफ कर दिया, होम क्लीनिंग डन। अगर एक भी धूल दिखे ना तो आप ना मेरी फीस काट लीजिएगा। फीस? क्या है तुम्हारी फीस? 2000 किसेस और ढेर सारा प्यार। मुझे जुकाम हुआ है, तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे ना ये जुकाम चाहिए। को जो मेरी इंदौर वाली फैक्ट्री है ना, हाँ, मैं ये सोच रहा था कि उसमें कुछ वर्कर्स बढ़ा दूं। रजत वो तुम यहाँ क्यों आए हो? माँ कबीर को यहाँ मैंने बुलाया है। कबीर दरअसल मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। कबीर मैं हमारे बीच की दुश्मनी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूं। हाँ मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं, इसीलिए मैं आज सबके सामने तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जिससे माफी मांग रहा है? माँ आपको सच नहीं पता इसलिए आप नाराज हो रही है। आपको सच पता चलेगा ना तो आप बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगी। और सच ये है कि ये कबीर जो है ना, ये बहुत जल्दी हमारे पड़ोसी से हमारा रिश्तेदार बनने वाला है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे घर में कोई है जो इस कबीर को बहुत प्यार करता है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये कबीर भी उससे बहुत प्यार करता होगा, है ना कबीर? बातें क्यों गोल गोल घुमा रहा है? कौन किससे प्यार करता है सीधे सीधे बता दो। माँ इस कबीर से प्यार करती है हमारी क्या
प्रिया। तुझे क्या लगा पगली कि तेरे भाई को पता नहीं चलेगा? तेरा बड़ा भाई हूं मैं, तो कब सोती है, कब जगती है, कब उठती है, क्या खाती है, कहां आती है, कहां जाती है, सब कुछ पता है मुझे। तुझसे बहुत प्यार करता हूं, और मैं ये जानता हूं कि मेरी बहन किससे प्यार करती है। लेकिन पता है तुझे, मैं ना तेरे डिसीजन से बहुत खुश हूं, क्योंकि तू शादी के बाद में भी हमारे पड़ोस में ही रहेगी, है ना माँ? एक मिनट, ये बात तो सच है कि मैं कबीर को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन क्या कबीर भी मुझे पसंद करता है ना? बोलो कबीर। रचित, वो कबीर, तुम ही प्रिया से प्यार करते हो ना? हाँ प्रिया, तुम इतनी प्यारी ही हो, तुमसे कौन नहीं प्यार करेगा? ये तो बड़ी खुशी की बात है, तो कबीर गांव से अपने परिवार को बुला लो, शादी की तैयारी जो शुरू कर ली है। शिशि, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्रिया से नहीं। कबीर, प्रिया बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम एक बार उसको समय दो, देखो तुमको खुद उससे प्यार हो जाएगा। अरे नहीं करना मुझे यार प्यार उससे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूंगा। कबीर, तुम्हें प्रिया से शादी करनी होगी, तुम प्रिया का दिल नहीं दुखा सकते कबीर, तुम्हें मेरी कसम। कबीर, हेलो, हाय हाय मेरी जान, वैसे रोते हुए तुम और भी ज्यादा हसीन लगती हो। इतना सब कुछ हो गया लेकिन तेरी अकल नहीं गई। देख, तेरे लिए अच्छा होगा कि अपनी इस अकड़ को कम कर दे। वैसे सच तो यही है कि तेरे इस मुसीबत के वक्त में ना, अगर कोई तेरे काम आने वाला है तो वो है रचन। तुझे क्या लगता है? तुझे क्या लगता है कि मुझे नहीं पता? देख, सब कुछ होता है मुझे, सब कुछ, कि तू उस कबीर से प्यार करती है। इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं, और वो कबीर भी तुझसे प्यार करता है। तुझे ऐसा लगता है कि वो कबीर तुझे बचा लेगा इस मुसीबत से? तू गलत है, और अगर तू अपनी कसम देकर भी ना उस कबीर को प्रिया के साथ शादी करने के लिए मजबूर कर देती है, और तू सोचती है कि तुझे मेरे साथ शादी नहीं करनी पड़ेगी ना, तू बहुत गलत सोच रही है। तुझे क्या लगता है, शादी के बाद ना रोज रोज तू आएगी, तू जाएगी, तो वो कबीर तुझे देखेगा, तुझे देखने के बाद में बेचारा चाह कर भी तुझको भूल नहीं पाएगा, और फिर होगा क्या? होगा ये कि वो प्रिया जो तुझसे बहुत प्यार करती है, अपने परिवार वालों से ज्यादा, हाँ देखना, तेरी कोई भी बात हो, छोटी मोटी कोई भी बात हो, वो सबसे लड़ जाती है, माँ से, मुझसे, सबसे। उसका बेचारे का दिल टूट जाए, और उसका परिवार भी। देखना, इसलिए समझा रहा हूं प्यार से, तेरे पास इस मुसीबत से बचने का सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता है रजत। तू ना उससे शादी कर ले, फिर हम दोनों खुश रहेंगे, तेरा घर भी बच जाएगा दूसरा, और तेरी वो प्रिया उसका रिश्ता भी बचा रहेगा। अब सोच लो तुझे क्या करना है, तू किससे ज्यादा प्यार करती है, उस कबीर से ज्यादा प्यार करती है, या फिर प्रिया से ज्यादा प्यार करती है?
ऐसे तुझे ऐसा नहीं लगता कि ज्यादा ही कमीना हूं मैं? लव यू मेरी जान सुष्मा। कबीर, रजत भैया को हमारे बारे में कैसे पता चला? तुमने उनको बताया कि तुम मुझे पसंद करते हो? कबीर, कबीर, कुछ कहा तुमने? तुम ठीक तो हो ना? हाँ प्रिया, मुझे ना कुछ काम याद आ गया, मुझे जाना होगा। कबीर, कबीर, ये क्या हुआ? सब ठीक है? नहीं भाभी, वो कबीर। कबीर, उसने तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं, मुझे लगता है मुझसे प्यार नहीं करता है भाभी। नहीं नहीं प्रिया, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, उल्टा उल्टा मुझे ये लगता है कि वो किसी और से प्यार करता है। भाभी, मैं कबीर से बहुत प्यार करती हूँ, अगर वो मुझे नहीं मिला ना, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। तेरा काम हो जाएगा। अरे बोल, चल ठीक है, मैं तुझसे बात बात करता हूँ। हाँ बाय बाय बाय। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि कबीर और प्रिया के रिश्ते में कोई भी खराबी ना आए, इस वजह से हम कल ही कोर्ट मैरिज करेंगे। हाय हाय भाभी जी, एक बात बोलूं, आपके मुंह से ये प्यार भरे शब्द सुनने के लिए मैं कब से तड़प रहा था। आज दिल को बहुत सुकून मिला है, पर ना मजा नहीं आया। अगर थोड़ा रोमांटिक तरीके से ये शादी का प्रपोजल देती तो? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, रोमांटिक तरीके से नहीं बोल सकती तो कम से कम गाल पे एक किसी दे दीजिए। देख लीजिए, अगर आप नहीं करेंगे ना तो हम शादी नहीं करेंगे। और हाँ, तुम्हारे और कबीर के बारे में मैं जाके प्रिया को सब। मेरी जान, लहू मुँह लग गया। आए मेरी विधवा भाभी, आखिर कब तक बसती मेरी हो ही गई। एक मिनट भाभी, आपको अचानक ऐसा क्यों हो गया कि आप भैया से शादी करने जा रहे हो? तुम नहीं समझोगी प्रिया, ये हमारे बीच की बात है। अरे प्रिया, इन्हें शादी करनी है तो करने थी, तो कौन होती है इनकी शादी रोकने वाली? तो वो अपनी शादी की तैयारी कर। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम इस घटिया गिरे हुए इंसान के साथ शादी कर रही हो तुम? हाँ, हाँ छोड़ उसका, मैंने कहा हाँ छोड़ उसका। देख, शादी करने जा रहा हूँ, मेरा मूड बहुत अच्छा है, इससे पहले कि मेरा मूड खराब हो और मैं तुझे। बेटा, पूरी बात तो सुन ले पहले। तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी और से शादी करोगी तो मैं तुम्हें बुलाकर तुम्हें किसी और के साथ शादी कर लूंगा? सृष्टि, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू, आई लव यू। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है ना तो मत करो, लेकिन मैं किसी और के साथ शादी नहीं करूंगा। मुझे माफ करना प्रिया, मैं और सृष्टि एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये बात ना तुम्हारे इस घटिया भाई को पता लग गई थी। और सृष्टि को पाने के लिए ना इसने तुम्हारे प्यार का फायदा उठाया। मुझे माफ कर दो प्रिया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं सृष्टि से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। भाभी,
क्या ये सब सच है? हाँ प्रिया, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी खुशी की खातिर रजत से शादी करके इंदौर जाना चाहती थी। तो चले जाओ ना, आपको तो साथ में चले जाना चाहिए था। जबकि आपको पता था ये सब होने का कबीर आपको जरूर आएगा रोकने। आप जब से इस घर में आए हो ना, मैंने हर पल आपका साथ दिया है। मैंने आपके लिए मेरी माँ से, मेरे भाई से, हर किसी से लड़ा है, और आपने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। महंगा पड़ा ना आखिर अपनी भाभी का प्यार। कल मुनि ने आशिकी लड़ाते समय एक बार भी ये न सोचा कि लोग क्या कहेंगे। विधवा होना और अफेयर कर बैठी। विधवा तो क्या हुआ, हा? जीने का, खुश होने का, प्यार करने का उसे भी उतना क्या जितना बाकी सब लोग को है। तो तुम्हारे मुंह से ये घटिया बात सुनकर ना एक बात तो साफ हो गई कि अच्छा हुआ हमारी शादी नहीं हुई, वरना ना मैं तुम्हें कभी जिंदगी भर प्यार नहीं कर पाता। इस अपनी प्रिया के लिए तुम मुझे छोड़ रही थी सिस्टर? अरे यहाँ पे सब लोग मतलब ही हैं, तुम भी मतलब ही बनो। चलो मेरे साथ यार, शादी करो मुझसे। अगर कभी तुम मेरे नहीं हुए ना, मैं अपनी जान दे दूंगी। और मेरी मौत की जिम्मेदार ना भाभी, सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। देख, मेरे परिवार को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चुप हो जाओ, तुम कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगी और नहीं सोचोगी। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे वादा कर रही हूँ कि तुम्हारी शादी कबीर से ही कराऊंगी। मुझ पर यकीन है ना? ठीक है। कबीर, 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 दरवाजा खोलो और मुझसे बात करो। कबीर, कबीर, प्रिया से शादी कर लो, इसी में सबकी भलाई है। कबीर, 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 क्या हुआ? कबीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सृष्टि, और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी कभी नहीं करोगी, इसलिए मैं ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। कभी, कभी, कभी। संभल कर जाना बेटा, ये लड्डू बनाए हैं, रास्ते में खा ले, और इंदौर पहुंच करके मुझे फोन कर ले। जी मैं, आप भी अपना ध्यान रखिएगा, मैं जैसे इंदौर पहुंचूंगा आपको फोन करूंगा। कहां जा रहे हो और इतनी जल्दी पे क्या है? इंस्पेक्टर आप जुर्म करोगे तो पुलिस तो आएगी ना। जुर्म? अब कैसा जुर्म? मैंने क्या किया है? ये नाटक बंद करो। कबीर के शरीर पे तुम्हारे उंगलियों के निशान मिले, गला दबा कर मारा था ना तुमने उसे? क्यों मारा उसे? उसके सुसाइड नोट पे जो हैंडराइटिंग है वो तुम्हारी, और हमारे पास फॉरेंसिक रिपोर्ट है, इसलिए झूठ मत बोलना। बताओ उसे क्यों मारा तुमने? इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वैसा नहीं करना चाहता था, पर मैं मजबूर हो गया। पैसे मुझे क्यों दे रहे?
इसको सृष्टि को भूलने का फीस समझ या फिर प्रिया से शादी का दहेज। पूरे 10 लाख रुपए चुपचाप ये पैसे रख और सृष्टि को मुझे दे। मेरा प्यार टिकाऊ नहीं है, समझा? और चाहे जो भी हो जाए, सृष्टि से मैं शादी करके रहूं। उसे तुझ जैसे ना नीच गिरे हुए इंसान की ना कभी होने नहीं दूंगा। चल निकल। ऐसे नहीं मानेगा ना तू? निकल। नहीं मानेगा ना तू? मना किया था तुझे कि मेरी सृष्टि से दूर रहना, नहीं माना ना? पैसे लेकर आया था तुझे देने के लिए कि पैसे लेकर मान जा, पर नहीं। क्या हुआ? खर्च हो गया ना तू? हाँ, मर गया ना? ये ठीक रहेगा? सुसाइड नोट लिख देता हूँ, पुलिस को लगेगा कि ये डिप्रेशन में आकर इसने खुद से सुसाइड कर लिया। पाप का घड़ा जब भर जाए तो वो फूटता ही है, जैसा कि रजत के साथ हुआ। पति के गुजर जाने का सबसे ज्यादा असर पत्नी पर पड़ता है। हमारे समाज के कई परिवारों में उसे जबरदस्ती सफेद साड़ी पहनाकर ऐसे मानसिक कष्ट दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो चाह कर भी इस दर्द से आगे बढ़ नहीं पाती। ऊपर से बिचारी सृष्टि बुरी नीयत रखने वाले देवर और निर्दयी सास की वजह से और टूट गई थी। घर की शांति बनाए रखने के लिए सृष्टि अपने देवर के हर जुल्म सहती रही, जिसकी कीमत उसे अपने प्रेमी कबीर की जान गंवाकर चुकानी पड़ी। इसीलिए जुर्म के खिलाफ सही समय पर आवाज उठाएं और हर नारी का सम्मान करें। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishaara.